सर। ये सब क्या चल रहा है इतना? ये मैगजीन की वैल्यू तो बिल्कुल गिरती जा रही है हमारी। लेकिन सर हम काम तो कर ही रहे हैं। ये काम कर रहे हो तुम? पिछले 3 महीने से मार्केट से कोई रिवेन्यू तो आया ही नहीं है। कोई बढ़िया स्टोरी नहीं है तुम्हारे पास? सर कहाँ से लाऊं बढ़िया स्टोरी, आजकल चली क्या रहा है, बस सेलिब्रिटीज की वेडिंग हो रही है, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ना कोई पॉलिटिक्स की चीज हो रही है, तो कहाँ से लाऊं स्टोरी? ठीक है, मैं देता हूँ तुम्हें बढ़िया कॉन्टेंट। रिवाड़ी के एक सरपंच है, उनका इंटरव्यू लेना है, और गवर्नमेंट भी उन्हें अपने बड़े बड़े प्लानों में शामिल करना चाहती है। ठीक है सर, तो कब आ रहे हैं वो, मैं कर लूंगी स्टोरी कवर। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वे सरपंच है, वो भी रिवाड़ी के, वे आएंगे यहाँ, तुम्हें जाना होगा वहाँ। नहीं सर, मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं गांव में एडजस्ट ही नहीं कर सकती। मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। अगर अपनी जॉब बचानी है तो तुम्हें रिवाड़ी जाना पड़ेगा और सरपंच साहब का इंटरव्यू लाना पड़ेगा। और तुम टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं जा रहे हो, ऑफिस से मोनू को भी ले जाओ और सरपंच साहब का इंटरव्यू लेके आओ। ओके सर। गंदी जगह है, बदबू आ रही है यहाँ पर। पागल, इसे बदबू नहीं, खुशबू बोलते हैं, गांव की मिट्टी की खुशबू। शहरों में देखने को मिलती है ऐसी? हे भगवान, बॉस ने किसके साथ भेज दिया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ड्रेस भी प्रॉपरली नहीं भेजा हुआ, बोल दिया वहां जाके पूछ लो सरपंच जी का रहते हैं। अरे आजकल किसको क्या पता कौन कहां रहता है। हेलो भैया, हेलो भैया, भाई साहब तुझे ही बुला रहा हूँ। क्या हुआ? अबे यार देखना, कब से बुला रहा हूँ उसे, सुनाई नहीं दे रहा, इसे लगता है बहरा है। तू रहन दे, यू आर गुड फॉर नथिंग, मैं बुलाती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। ओए ओए, देखा देखा, बहरा नहीं है ये? देखा, ऐसे बुलाते हैं, चल अब। हाँ जी, बताओ कैसा आना हुआ? वो हमें इस गांव के सरपंच से मिलना था, आपको पता है उनका घर का है? सरपंच? अरे सरपंच तो मेरे दादा ही हैं। क्या सरपंच आपके दादाजी हैं? कुछ काम था उनसे। हाँ काम तो है, लेकिन उनसे डायरेक्ट ही बात करनी है। अच्छा ये बात है, पर दादा तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो 2-3 दिन बाद ही आएंगे। अब 2-3 दिन यहाँ क्या करेंगे? अरे इसमें टेंशन वाली क्या बात है, आपके रहने का इंतजाम कर देता हूँ, इसी बहाने हमारा भी मन लगा रहेगा। क्या? कुछ नहीं, वो आपका रहने का इंतजाम करवाता हूँ मैं, और इस लंगूर को भी साथ ले लो। ठीक है, थैंक यू। देख, यू है हमारे गांव का झोड़। झोड़? वो क्या होता है? अरे वो के कह रहे थारी भाषा में, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल? और इतना गंदा। अरे तो कौन सा इसमें इंसान ना आवे, हमारे गांव की जितनी भी भैंस है ना, राम प्यारी, गुलाबो, काली, पीली, धोली, सब इसमें ना आवे। फिर तो ठीक है, चल तुम अपने गाँव का मंदिर घुमा के लाओ। ओ जैम, व्हाट इज दिस स्विमिंग पूल, इसमें तो मछलियां भी होंगी। कार्टून के करन लाग रहे हो रे, एक मीटर भी आया। देख ये हमारे गांव का पुश्तैनी मंदिर, तेरी अगर कोई भी इच्छा हो ना, पूरे मांगलिए पूरी हो जाएगी। राम राम सरपंच जी। ये तुम्हें सरपंच जी को बोल रहा था? अरे वो मेरे दादा सरपंच है, बताया नहीं था मैंने, तो बस इसलिए मुझे भी राम 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 कर देते हैं।
लगती हो किसी शायर का ख्याल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल, ऐसी सादगी तो है खुद में कर रहे हो तुम? ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम्हारे दादाजी कब आएंगे? दादाजी? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे दादाजी इस गांव के सरपंच हैं। अरे यार, वो तो मैं तेरे साथ मजाक कर रहा था। क्या? ऐसा मजाक कौन करता है किसी के साथ? यार, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, जब ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए एक छोटा सा मजाक किया मैंने तो बस। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता है मैं इधर कितने इम्पोर्टेंट काम के लिए आई थी? मुझे तुम्हारे दादा मतलब सरपंच जी से बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी थी। यहाँ मेरी नौकरी दांव पे लगी है और सब मजाक की सूझी है। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ जो ये 2-3 दिन से मैं घूम रही हूँ, सिर्फ इसलिए घूम रही थी क्योंकि मुझे था कि तुम्हारे दादाजी इस गाँव के सरपंच है और मेरा काम ईजी हो जाएगा। अच्छा, मतलब तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं था, तुम सिर्फ इसलिए घूम रही हो क्योंकि तुम्हें अपना काम निकलवाना है। ऑब्वियसली तू जैसे देसी कवार के साथ ना कभी प्यार हो भी नहीं सकता। मुझे ही पता है कि 2-3 दिन इस गांव में कैसे काटे हैं मैंने। इतनी धूप, गर्मी, धूल, कोबर, गायें, मिट्टी। बस बहुत बोल ली, इसके बाद एक शब्द नहीं सुनूंगा इस गांव के बारे में। अपना बोरिया बिस्तर था और निकल इस गांव से। रहना भी कौन चाहता है यहाँ पे? सॉरी सर, आपने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो मैं कर नहीं पाई। मैंने तो सिर्फ तेरे को सरपंच साहब का इंटरव्यू लाने के लिए बोला था और तुम तो सरपंच साहब को यहाँ ले आए। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझी नहीं। सरपंच जी है और तुम ही तो इन्हें यहाँ लेके आए हो। अगर मैं चाहता ना तो तेरे को उसी दिन बता देता कि मैं ही सरपंच हूँ, पर क्या है ना, गांव में काफी लोग आए पर सिर्फ अपने मतलब के लिए। पर जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना, तेरे से कुछ अलग सा लगाव हो गया था। मुझे लगा था तू उन जैसी नहीं होगी, पर मिलने के बेरा था तू उनते भी घटिया होगी। और सुन, इस राव साहब से मिलने के लिए ना नियत अच्छी होनी चाहिए, सूरत नहीं। राम राम राम। ओ गांव कैसा बालक तू इनते उलझे ना, पंगा पड़ जाएगा भारी तेरे ते सुलझे ना।